प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूँ। आज आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका वैलेंटाइन कौन है? आप किससे प्यार करते हैं? सच्चा प्यार क्या है? आइए इस संदेश के द्वारा हम प्यार के बारे में जानेंगे। आज कई जवान लड़के और लड़कियां आकर्षण को जगह देकर एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कुछ जवान कहते हैं हम दोनों का सोच एक ही है इसीलिए हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कुछ पैसों के लिए, नौकरी के लिए, संपत्ति के कारण प्यार करते हैं, और कुछ जवान ऐसे हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्यार करते हैं, बाद में एक दूसरे से झगड़ते हैं और अपना रिश्ता टूटने का फैसला करते हैं, वही ब्रेकअप कहा जाता है। और कुछ जवान ऐसे हैं लड़की का पीछा करते हुए प्यार के नाम पर उन्हें बहुत सताते हैं, अगर वो अपने प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको नुकसान पहुंचाएंगे या फिर उनके चेहरे पर एसिड फेंककर अपना गुस्सा को उनके ऊपर निकालकर वहां से गायब हो जाते हैं। क्या यह सच्चा प्यार है? बाइबल में एक प्यार की घटना के बारे में लिखा है, वो है दूसरा समूएल की पुस्तक अध्याय 13 में लिखा है। तामार नाम एक सुंदर लड़की थी, वो दाऊद का बेटी थी और अब्सलोम की बहन थी। तामार पर दाऊद का पुत्र अम्मोन मोहित हुआ। अम्मोन तामार को हर दिन देखता रहा, अपना मन में बहुत व्याकुल होता रहा, क्योंकि वो चाहता है कि अपनी शारीरिक इच्छाओं को तामार के द्वारा पूरा करे। अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए अम्मोन ने एक नाटक बनाया, और उस नाटक में उसने पलंग पर सोकर बीमार पड़ने लगा और अपने पिता दाऊद से कहा कि मुझे तामार के द्वारा भोजन बनाकर मुझे भेजिए, मैं उसके हाथ से रोटी खाना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। तब तामार अपने भाई अम्मोन के घर आई, तब उसने उसके लिए रोटी पकाई, लेकिन अम्मोन ने इसे इनकार किया और सब आसपास लोगों से उसने कहा कि यहाँ से निकल जाओ। तब अम्मोन ने तामार से कहा, भोजन को कोटरी में ले आ, तेरे हाथ से मैं खाऊं। तब उस भोजन को खाने के लिए उसके पास लाई और उसके हाथ पकड़कर उसे सताने लगा। तामार ने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट ना कर, क्योंकि ऐसा काम करना तेरे लिए उचित नहीं है। यदि तू चाहे तो राजा से बातचीत कर और मुझसे शादी कर, लेकिन इस तरह मत कर, कहकर उसने बहुत चिल्लाया। लेकिन अम्मोन ने उसकी बात न मानी और उससे कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। जब अम्मोन तामार से कुकर्म किया और उसे भ्रष्ट किया, तब उसके मन में तामार पर अत्यंत द्वेष रखने लगा। देखिए, बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, पहले अम्मोन ने उससे शारीरिक इच्छा को पूरे करने के लिए तामार से मोह किया, उसके बाद उसके ऊपर नफरत करने लगा। यह नफरत पहले मोह से बढ़कर हुआ। संसार में यही चल रहा है, कई जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक गलत संबंध बनाते हैं। शादी से पहले ही जवान लड़का लड़की से कुकर्म करता है और लड़की अपना सब कुछ वो लड़के को दे देती है, उसके बाद वो दो अपना गलत संबंध को तोड़ते हैं और लड़का फ़ोन स्विच ऑफ रखता है, लड़की से बात नहीं करता, और लड़की तब से लेकर फ़ोन करते रहती है, कुछ की कोशिश करते रहती है। कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं, भाई मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसके साथ मेरा शारीरिक संबंध हुआ है, अब वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे झगड़ा कर रहा है, वो चाहता है कि मुझसे संबंध को टूटे, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वो शादी करने के लिए मेरे साथ तैयार नहीं है, अब मैं गर्भवती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपना जीवन को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे सलाह दीजिए, बोल के कई लड़कियाँ फ़ोन करके बताते हैं। और कुछ लड़के कहते हैं, मैंने एक लड़की से प्यार किया, उसके साथ मैं बहुत जगहों पर घूमा, अब वो मुझसे बात नहीं कर रही है, फ़ोन स्विच ऑफ रख रही है और कहती है कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, और दूसरे लड़के से के साथ शादी करने की कोशिश कर रही है। मैंने उससे बहुत प्यार किया है, मैंने नौकरी कमाई है, मैंने सब कुछ मेरे पास है, लेकिन वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करते रहती है, जब भी फ़ोन करूँ मुझसे झगड़ते ही रहती है, क्या करूँ। इस तरह जवान लड़के लड़कियाँ बताते रहते हैं। आपने बाइबल में देखा है ना, अम्मोन ने तामार से मोह किया, अपनी शारीरिक इच्छा को पूरी करने के बाद क्या किया, उसका नफरत पहले का मोह से बढ़कर हुआ। आज संसार में ऐसा ही है, प्यार के नाम लगाकर कई लड़के लड़कियां शारीरिक संबंध को जगह देकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के बाद एक दूसरे से नफरत करना, अपना संबंध को तोड़कर फिर दूसरों से शादी करके अपना वैवाहिक जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर हमें एक अच्छा जीवन दिया है, वो हमसे प्यार करता है। सच्चा प्यार क्या है आप जानते हैं? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वहाँ अनिरीति नहीं चलता, वहाँ अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वहाँ सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में
धीरज धरता है। सच्चा प्यार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया और उसने कहा, हे पिता उन्हें माफ कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रेम के सभी गुण हम देख सकते हैं। आज के जवान लड़के लड़कियों के बीच में प्यार अस्थाई है, यह सिर्फ एक मौसम और कुछ वर्षों के लिए है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंत है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आपको मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि एक परमेश्वर है जो आपका प्यार की प्रतीक्षा कर रहा है, वहाँ आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और आपके जीवन में आना चाहता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या आपका दिल को खोलकर प्रभु को अपने हृदय में जगह देंगे? अगर आज आप उसकी आवाज सुनकर अपना दिल खोलेंगे तो वह आपके साथ रहेगा, वहाँ आपकी रक्षा करेगा और आपको शांति समाधान देगा। परमेश्वर प्रेम है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर का प्रेम बिना कोई शर्त से है। यदि आप कहते हैं तेरे पास पैसा है तो, नौकरी है तो, और तू बहुत सुंदर है, तेरे हाथ में पैसे है, तभी मैं तुझसे प्यार करूंगी, नहीं तो मैं तुझसे नहीं प्यार करूंगा, अगर आप कहेंगे तो यह सच्चा प्यार नहीं है। प्रेम में कोई शर्त नहीं रहती है। एक बार एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़का फौजी था और लड़की अपने गाँव में रहती थी। हर हफ्ता उस जवान फौजी अपने प्रेम को पत्रों के द्वारा अपना अच्छा बुरा के लिए जानते थे। एक बार उस लड़का ने उस लड़की से इस तरह लिखा, मैं युद्ध में सामने के लाइन में खड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ और मेरा चेहरा जल गया है, मैं दिखने में बहुत बदसूरत हूँ, अब मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ, दूसरे लड़की के साथ शादी करना। ये पत्र मैं अपने दोस्त के द्वारा लिखकर भेज रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थोड़े सालों के बाद वो फौजी अपना गांव चला गया, व्हीलचेयर में बैठकर स्टेशन पे उतरा, चेहरा जल गई थी, लेकिन वो लड़की हर रोज की राह देख रही थी कि जब ट्रेन आए उस लड़का को मिले। आखिरकार वो लड़का आ गया और लड़की ने उसको देखकर उस लड़के से कहा, मैंने तुम्हारे चेहरा से प्यार नहीं किया, मैंने अपने हृदय से प्यार किया है। देखिए, सच्चा प्यार में कोई शर्त नहीं होता है। आज जवान लोग कहते हैं, यदि लड़की सुंदर है, यदि लड़का सुंदर है, यदि उसके पास सब कुछ है तभी मैं प्यार करूंगा, स्वार्थ से प्यार करते हैं। प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार को क्रूस पर दिखाया है। वो राजा होकर भी हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया है, फिर भी पापी ही थे, लेकिन उसने हमसे प्यार किया, हमारे लिए अपना लहू बहाया और अपना जीवन हमें बलिदान किया। इससे ज्यादा प्रेम कौन दे सकता है? एक बार सोने वाले जाग जाओ और प्रभु यीशु मसीह की प्यार को जानिए। प्रभु यीशु मसीह की प्यार से आप दूसरों को प्यार करेंगे तो जरूर प्रभु आपको आशीष देगा और आपका जीवन में आशीष पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता का प्यार और पवित्र आत्मा की दिलासा आपके साथ सदा बनी रहे। आमीन।